इस सरकार के अंदर, इस गहलोत सरकार के अंदर जो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था फैल हुई है, और आज मिनी सब लोग मिनी मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, क्या कृष्णा पूनिया का अधिकार नहीं बनता साहब जाके इस मामले को उठाए? और जाओ ट्रैक्टर में भ्रष्टाचार, सब कुछ में भ्रष्टाचार, पट्टों में भ्रष्टाचार, उसकी 90A हो गई जिसका पट्टा था किसी के नाम बना लिया, मत पूछो साहब जख्म बहुत गहरे हैं। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय हमें खड़े हैं सादुलपुर में, और सादुलपुर में हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि गांव गांव ढाणी ढाणी के युवा है, उनको बखूबी जानते हैं। फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ता हैं, काफी सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, समय समय पर आवाज उठाते आए हैं हर तरीके के मुद्दों की, गाँव से जुड़ी हो चाहे वो शहर से जुड़ी हो। कृष्ण कुमार भाकर जी हमारे साथ हैं। कृष्ण कुमार भाकर जी, पहली बार तो आपका स्वागत है, क्योंकि पहली बार आप चूरू झलक में आए। मैं भी चूरू झलक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप जैसे जागरूक पत्रकार जिस तरह से गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर जन समस्याओं के लिए आप जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं झलक पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। भाकर जी, अभी हाल ही में जिस तरह की शहर में कानून व्यवस्था है, आए दिन यहाँ पर दंगे होते रहते हैं, कोई किसी को मार पिटाई होती है, मर्डर हो जाते हैं यहाँ पर, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है और सरकार है का कैसा रवैया है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? पत्रकार जी, कानून व्यवस्था की अपन बात करें तो पूरे राजस्थान की हालात है। आज जब राजस्थान के अंदर अपन आंकड़े उठा के देखेंगे, क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट अपने पास आएगी तो राजस्थान एक नंबर पर है। रही बात इस राजगढ़ के क्षेत्र की बात, तो राजगढ़ का क्षेत्र हरियाणा से मिलता जुलता है, इनका जो बॉर्डर क्रॉस एरिया है, यहाँ पर गुंडे प्रवृत्ति के लोग आते हैं, तय कर जाते हैं, लछेड़ी की आपने मांग उठाई, और भी ऐसी धार्मिक कई घटनाएं राजगढ़ के अंदर हुई हैं, और प्रशासन उसमें पूरी तरह फैल रहा। मैं मुझे कहते हो इस बात का कोई संकोच नहीं, दिवाली के अंदर भी यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, हमने प्रशासनिक अधिकारी को जाकर इस पूरी वातावरण बताई। लेकिन क्या है कि इस सरकार के अंदर, इस गहलोत सरकार के अंदर जो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था फैल हुई है, और जिस प्रकार से अधिकारियों ने जिस प्रकार की लूट मचाने का काम किया है, ये किसी से कोई छुपा नहीं, तो इनके पास कोई सही तरीके से मॉनिटरिंग है, सही तरीके से मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, और पहले आओ और दाम बढ़ाओ इस प्रकार का वातावरण, पहले आओ बढ़ो पाओ इस प्रकार का वातावरण। भाकर जी, इसमें क्या लगता है आपको, नेताओं का दबाव रहता है पुलिस पे या फिर पुलिस काम करना ही नहीं चाहती? नहीं, क्या होता है कि पुलिस की एक गाइडलाइन होती है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। आजकल जिस प्रकार से जनता के अंदर जागरूकता आई है, एक समय के पहले एक समय हुआ करता था जब पुलिस की एक अनुमानित लोग देखते ही डरते थे, लेकिन जिस प्रकार से आज एक पुलिस ने और समाज के अंदर कॉम्बिनेशन करने का प्रयास किया है, लेकिन क्या होता है कि कई बार जिस प्रकार से बढ़ते अपराध का जो मुख्य कारण है वो एक सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पानी, पुलिस कहीं ना कहीं उसमें बैकिंग रह जाती है, कई जगह भ्रष्टाचार का भी बड़ा खुलासा हुआ, इसलिए वहां के जो जैसे थाने के जो मुख्य अधिकारी हैं, अगर वो चिंता नहीं करेंगे उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं होगी तो कानून व्यवस्था। भाकर साहब, एक चीज हो रहा है, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं और राजगढ़ में आमतौर पर आप आते रहते हैं, गाँव में घूमते रहते हैं, यहाँ आपसे 1.5 किलोमीटर दूरी किसान बैठे धरने पे, और सांसद महोदय हैं वो आपकी पार्टी के हैं, आप उनके कार्यकर्ता हो। किसानों का आरोप है कि सांसद महोदय हैं एक पत्र लिखकर सिर्फ है मंत्री को दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उन पे ज्यादा कार्रवाई हो नहीं है, सरकार उनके हाथ में है, वो चाहे वो फैसला ले सकते हैं और बीमा फसल कंपनी जो है उसको बोलकर किसानों को बीमा दिलवा भी सकते हैं, क्या बोलना आपका इस पे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है, सांसद राहुल जी, उसने मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं, उसने भी कोशिश की है, हमारे किसान भाई बैठे हैं, और किसान भाई का बैठना लाजमी है कि फसल खराबा हुआ है, लेकिन ये गलत बात है कि सांसद साहब ने कोशिश नहीं की, पार्टी के किस नेता ने काम नहीं किया। हमें किसान मोर्चा का जिला मंत्री का दायित्व है, हमने तारानगर के अंदर सभा की, हमने कलेक्टर साहब के साथ, जिला अध्यक्ष हमारे सत्यनारायण जी, पूर्व प्रधान के साथ राजेंद्र राठौड़ साहब, अभिनेश बैरसी साहब, हमने जिले के सब नेताओं को लेकर हमने कलेक्टर साहब से बात की, हमने कलेक्टर साहब को कहा कि ऐसा कौन सा वो कारण है कि भादरा को तो इस हिसाब से मिलता, नोर भादरा को और चूरू को ऐसा, ऐसे किसानों ने क्या गुनाह कर दिया। तो इस मामले में लेकर सांसद हो, हमारे लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राठौड़ हो, अभिनेश महर्षि हो, राकेश जांगड़ हो, जिले के जितने भी बड़े नेता हैं, इस मामले को लेकर लोग, हमारे सांसद सब लोग हम लगे हुए हैं, हम किसान के साथ हैं। और एक बात पत्रकार जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर किसान क्रेडिट कार्ड की कोई योजना की बात हुई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुई, किसान सम्मान निधि की बात हुई तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी का एक विचार है, एक मंच होता है, वो जिस मंच के पास बैठे हैं उस मंच में, और मैं तो ये कहता हूं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए,
आप पूछ लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चार साहब आए जब हमारे जन आक्रोश यात्रा के अंतिम समापन में थे, तो वहां कुछ लोग सांसद ने कुछ खुद कहा और उसने खुद ज्ञापन लेकर, खुद ज्ञापन देकर वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन भी कुछ लोगों ने दिया है, वहां के किसान नेताओं ने दिया है। तो हम किसान नेताओं को ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम किसान के साथ और किसान की लड़ाई लड़े, और जब तक सांस है जब तक किसान के हक और अधिकार के लिए। ये ज्ञापन वाली बात आपका दी, एक सरकार है उसको ज्ञापन देने की क्या जरूरत है, वो तो खुद फैसले सुना सकती है ना, बीमा फसल कंपनी को बोल सकती है भाई दो अंक। और दूसरी बात, एक छोटा सा बीच में सवाल है मेरा, क्योंकि सैटेलाइट आधार पे जो बीमा अभी दिया गया किसानों को, उसके आंकड़े केंद्र सरकार ने ही राज्य सरकार को दिए हैं, उस पे भी आरोप लगा रहे हैं। देखो ये जो केंद्र और राज्य सरकार की बात, अब यहाँ कांग्रेस की सरकार, विधायक कांग्रेस की, अब आपने सांसद पर तो लगा दिया आरोप, उनसे पूछ, नहीं नहीं आप उनसे पूछा, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने सांसद पर तो आरोप लगा दिया, क्या लगाया कि वो उसने आप गए निर्वा मुद्दा नेट है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि यहाँ के वर्तमान विधायक और उनकी सरकार है, आज पावली के अंदर चले, आज मिनी सब लोग मिनी मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, क्या कृष्णा पुनिया का अधिकार नहीं बनता साहब जाके इस मामले को उठाए, और कृष्णा पुनिया को सांसद ने बाकायदा जयपुर गए वहां के अधिकारियों से मिले, नहीं गए तो मैंने ओन रिकॉर्ड है, लेटर है बाकायदा, और हम सारी चीज रिकॉर्ड में देंगे, हम जो काम करे हैं उसका हमने रिकॉर्ड रखा है। तो मैं तो यहाँ के विधायक, यहाँ सरकार कांग्रेस की, अगर यहाँ से अगर मुख्यमंत्री जी करेंगे, यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं वो करेंगे, यहाँ के विधायक करेंगे, पैरवी करेंगे, ईमानदारी के साथ पैरवी करेंगे, और आप नोर बाजरा की बात करते हो कि बीमा ज्यादा आता है, तो वहां का विधायक मजबूती के साथ पक्ष रखता है किसान, तो यहाँ की जो कृष्णा पूर्णिया है उसको रखनी चाहिए, वो अपने केंद्रीय मंत्री से मिले, आप केंद्रीय मंत्री से मिले और कृषि मंत्री से मिले, बीजेपी कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ देती है, कांग्रेस बीजेपी फोड़ देती है, यही काम आप कर रहे हैं, सांसद घर का है आपका, भैया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विकास कहाँ हो रहा है, राजगढ़ की सड़कें हालात देखिए, नहीं वो बात आपकी सही है, अब साहब देखो अब आप हमें कह सकते हो, अब बात कांग्रेस के पांच साल पिछली गवर्नमेंट के वसुंधरा राज की गवर्नमेंट थी, आप देखिए कितने काम हुए विकास के, राठौड़ साहब भी कई कितने कितने काम पिछली बार यहाँ चूरू के अंदर करवाए हैं और भी कराए हैं, शानदार हाईवे का काम हुआ है, चूरू बाईपास का भी काम, बहुत से ऐसे काम हुए हैं सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर जो काम हुए हैं उसकी अनगिनत है, ऐसी ऐसी योजनाएं थी, भामाशाह योजनाएं थी और योजनाएं थी, और आज अपने जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपने देखो माननीय सतीश पूनिया जी ने हर गांव की समस्या लेने का काम, ये पहली बार इस राजस्थान के अंदर हुआ है कि पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में गई है और वहां शिकायत पेटिका दी है, और उस शिकायत पेटिका के अंदर जो सुझाव गांव के पंचायत के लोगों ने डाले हैं उस पंचायत के सुझावों को करने के लिए संकल्प भी पार्टी है, वहां के स्थानीय जो लीडरशिप है उसको, इसलिए काम करने में भाजपा का जो नाम है दूसरा वो विकास का नाम है, पार्टी हमेशा एक नए विचार के साथ नई ऊर्जा के साथ। हमने ऐसा सुना है कि कृष्ण कुमार भाकर हैं अब की बार 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ रहे हैं या कैसे टिकट आपको मिलने वाली है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, विचार परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ हमेशा से, कॉलेज लाइफ से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, युवा मोर्चा ने मुझे पद दिए, मैं पार्टी के प्रचार के लिए विस्तार के रूप में भी मैंने काम किया, वो पार्टी का और नेतृत्व का काम है, जो भी जिसको देंगे किसी को भी देंगे पार्टी बहुत सोच समझ के फैसला करेगी, और जिसको भी देंगे उनके साथ रहेंगे पार्टी। अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे कृष्ण कुमार भाकर? बिल्कुल, पार्टी के कौन नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे और डंके की चोट से लड़ेंगे, और विश्वास के साथ कहते हैं हमारी जीत जीत होगी। पिछली बार तो तीसरे नंबर पे रहे थे आप, उम्मीद किस चीज से उम्मीद है, क्या करवाया आपने पांच साल में इस राजगढ़ को, क्या दिया आपने जिससे आप उम्मीद है? आपने भाजपा की, हमारे पहले नगर पालिका भाजपा के बोर्ड था, आप देखिए कितने काम, एक भी हमने कच्ची अगर सड़क कोई कच्ची सड़क नहीं छोड़ी, हमने पूरे विकास के काम के मॉडल के रूप में बना के काम किया, सबसे ज्यादा पैसा भाजपा की सरकार में लगा, और आज स्थिति क्या आप खुद जाके देख लो, सफाई के मामले में आप किसी आदमी से पूछ लो, मैं नहीं कह रहा हूँ बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात विकास के काम की बात, आप किसी को भी जाके पूछ लो राजगढ़ के अंदर कि कितना काम हुआ है विकास का, सफाई का, विकास का बता देता हूँ मैं, वार्ड नंबर 1 की घटना है पंचमुखी बालाजी मंदिर के सामने, एक साल से वो रास्ता रुका हुआ है, उसको मैंने कल अपने चैनल पे भी दिखाया था, बिल्कुल जाम है, ये अम्बेडकर सर्कल के पास की बात है, आप जाके देखना वहां पर हालात बड़ी खराब है साहब। जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है मैंने चार जो चार साल हो गए, तीन या चार साल के में मैं कम से कम भी 50 बार तो वहां के चेयरमैन को और चेयरमैन के प्रतिनिधित्व को मैंने एप्लीकेशन दिया कि राजगढ़ के अंदर फोर पोर उसकी चार दीवारी के लिए सामाजिक काम है या किस प्रकार की कोई भी बड़ी घटना हो जाए, मैंने कितनी 50 बार मैंने वहां के एसडीएम को तहसीलदार, एक तो कोर्ट के बिल्कुल पास ही फोर पोर के चार दीवारी का जो अपना बिजली के जो खंभे लगे उनके चार दीवारी का, तो भाई देखो अब विकास, मैंने आपको ये कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है,
सफाई में लिप्त है, नए सफाई कर्मचारी को कितनी बार तो सफाई कर्मचारियों ने रोड़ा मचा दिया, कोई ठेकेदार सफाई कर्मचारियों के समय पे से वो तनखा भी नहीं मिल रही है। नहीं नहीं तनखा नहीं मिल रही, उनका जो वेतन मिलता है उसमें से भी काट साट करके ले जाते हैं, जाओ ट्रैक्टर में भ्रष्टाचार, सब किस में भ्रष्टाचार, पट्टों में भ्रष्टाचार, उसकी 90A हो गई जिसका पट्टा था किसी के नाम बना लिया। मत पूछो साहब, जख्म बहुत गहरे हैं, मत पूछो। साफ साफ आरोप है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि नगर पालिका का हालात है वो आप देख चुके कैसी है। बाकी सब एक आखिरी सवाल है, 2023 का विधानसभा नजदीक है, इस मौके पर यहाँ की हाल ही की विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ सीबीआई कोर्ट का प्रसंज्ञान लेना, क्या ये चुनाव में किसी न किसी तरीके से माहौल बिगड़ेगा या फिर वोट बैंक थोड़ा कम होगा कृष्णा पूनिया का? देखो जी, कोर्ट ने उसको ब्रेक किया, कोर्ट ने प्रसंज्ञान दिया है। हाँ। और वो काम कोर्ट का है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सही करेगी, निर्णय लेगी, उसमें उसको कोर्ट में तामिल किया, अभी उसको उसको पेश करेगी, वो फैसला कोर्ट नहीं फैसला। चलो इसमें इस तरह की जो कोर्ट का संज्ञान लेना सामने आया है, इससे वोटों पर फर्क पड़ेगा क्या विधानसभा चुनाव में? वो तो क्या होता है, सब समय की और परिस्थितियों की बात होती है, क्या कैसे किस ट्रिप किस रूप में टिकट किन किन को मिलती है, कौन कौन फेस होंगे उस रूप में होगा, निश्चित रूप से कई बार प्लस और माइनस का दोनों का रेशा रहता है राजनीति। अगर बीजेपी पार्टी ने चाही तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कृष्ण कुमार भाकर हैं वो यहाँ ताल ठोकने के लिए एकदम तैयार हैं, और क्योंकि बीजेपी की जो टिकट है उस पे अभी भी है, अभी कंफ्यूजन जो है बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि काफी उम्मीदवार हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की टिकट मेरी जेब में है, लेकिन एक यहाँ पर काफी मजबूती से काफी पुराना कसवा परिवार बैठा हुआ है, देखते हैं उनकी टिकट इस बार कटती है किसी नए चेहरे को मिलती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहिए। नमस्कार, मैं जतन सिंह।